देश प्रदेश लाइव के जुड़े सारे दर्शकों का निघा स्वागत। मौसम का मिजाज बदल रहा, काफ़ी सारी कंट्रीज जड़ियाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट नू डील करते हैं, उन्होंने वालों भी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं, काफ़ी सारे रूल जोड़े नवे बनाए गए हैं या पुराने मोडिफाई किया गया। सो कन्फ्यूजन या डाउट जड़ियाँ पहलों तो बनिया हुई सी कितना किते फिर दोबारा वध रही ने। नव साल भी आ रहा, नव साल जो एक नव सैशन या नव साल शुरू होंगे स्टूडेंट भी काफ़ी उम्मीद रखते हैं कि कुछ चंगा उन्होंने लिए होएगा, कुछ चंगा देखने मिलेगा। सो उन्होंने स्टूडेंट की गल करा जो स्कूलिंग लिए अपलाई करना चाहते हैं, अज का शो खास तौर उत्ते डेडिकेटेड स्कूलिंग वाले विद्यार्थियों के लिए खास डिमांड के उत्ते जिहड़ा अज किया गया। एक्सपर्ट साडे नाल ने वीसीसी ग्लोब तो हरप्रीत कौर जी स्वागत कर लिया, स्वागत है हरप्रीत जी। स्कूलिंग ही जदों गल आती है, जदों आपां मेजर की गल करिए काफ़ी सारे कंसल्टेंट भी ने, काफ़ी सारे शोज़ ने, काफ़ी सारी एडवरटाइजमेंट अवेयरनैस भी कितना कितने ज़्यादा, पर स्कूलिंग के मामले के पंजाब के जिहड़े ज़्यादातर लोग ने अजे भी कितना कितने पिछे ने। सो जरूरत है एक अवेयरनैस की जी इस लड़ी में तोरिया गया अगे वधाउण की। सब तो पहला सवाल कि कौन अपलाई कर सकता स्कूलिंग के लिए, कौन स्टूडेंट? सो स्कूलिंग लई फर्स्ट टू ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक के बच्चे अपलाई कर सकते हैं, और बेसिकली देखा जाए जो उन्होंने एडमिन प्रोसीजर एडमिशन प्रोसीजर है उन्होंने प्रीवियस स्टडी नाल रिलेटेड रहता है, उन्होंने प्रीवियस बैकग्राउंड दे विच उन्होंने स्टडी और उन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम नाल रिलेटेड रहता है। तो फर्स्ट तो लेके प्लस टू तक की जो एजुकेशन है उसके विच स्कूलिंग वीजा के स्टूडेंट्स अपलाई कर सकते हैं। उम्र कितनी स्टूडेंट की होनी चाहिए जो स्कूलिंग के लिए अपलाई करना? सर 5 to 18 साल, 5 to 18 साल के बीच, इसलिए बिकॉज फर्स्ट स्टैंडर्ड तो एडमिशन जो क्या कहते हैं कंट्रीज रिसीव कर दी इस बेसिस पे कि जो बच्चे का फर्स्ट फ्लो है दैट स्टार्ट विद अस, और जिथे जिथे रही गल दूसरे सीनियर स्टूडेंट्स की तो उन्होंने बाय द टाइम जी क्या कहते एजुकेशन है उसके जो चेंजेस चाहिए अकॉर्डिंगली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लिए प्लान किए जाते हैं। कंट्री की जो गल आती काफ़ी सारे स्टूडेंट पहला तो लैके आते हैं कि इस कंट्री लिए अपलाई करना है, पर जो स्कूलिंग वाले स्टूडेंट की जो गल करिए गाइडलाइनस ने या कंट्री किस तरह लेंदी इंटरनेशनल स्टूडेंट या खास तौर उत्ते जो इंडिया का स्टूडेंट अपलाई करता है की ऑप्शन रहती कंट्रीज दी उन्हां दे कोल? इंडियन स्टूडेंट्स लिए कैनेडा ऑप्शन है, एक ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है और न्यूजीलैंड है। देखा जाए अगर मैं तीनों कंट्रीज नूं क्या कहंदे आ इलैबोरेट करा तो उदे विच जो कैनेडा है उदी थोड़ी लीनियंसी है कि उदा 3 to 4 months का प्रोसेस है, एडमिशन वीजा काउंसलिंग फाइलिंग एंड ऑल सारा कस्टोडियन दे विच। जे गल करी दूसरी कंट्रीज दे विच जिथे कि शायद इनटेक्स 2 या 3 ही होंदे है और क्या कहंदे बाकी दी टाइमिंग जो प्रोसीजर है दैट इज टू लेंथी, सो अकॉर्डिंगली के कहते हैं हर जो कंट्री भी स्टूडेंट ऑप्ट करना चाहता है अकॉर्डिंगली उसकी अवेयरनेस और गाइडलाइंस बिल्कुल सेम है, पैटर्न इको ही है कि स्टूडेंट की एडमिशन और एज सेम रहती है, प्रोसेस भी सेम रहता है, बट यह है कि प्रोसेस की लेंथ थोड़ी बच जाती है उस केस के। जो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुम दस रहे कि कैनेडा अपलाई करना स्टूडेंट के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, पर ऑस्ट्रेलिया यूएस या न्यूजीलैंड भी अपलाई किया जा सकता है, गाइडलाइनस की ने बेसिक गाइडलाइन या डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होंगे? सर देखो कैनेडा के ज़्यादातर कुछ ही बोर्ड्स ऐसे हैं, पहली गल तो यह जो कि कहते हैं एडमिशन टेस्ट बेस्ड रखते हैं, ज्यादातर एडमिशन प्रीवियस एजुकेशन के बेस पर रखते हैं, और जो एज क्राइटेरिया देखे जाए जिम्मे पील बोर्ड स्कूल है या कोई होर स्कूल है उन्होंने एडमिशन क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट रखा हुआ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, बट फिर भी ईजी है प्रोसेस 3 to 4 months ही लेगा। बट जिथे गल रही दूसरी कंट्रीज की जिम्मे मैं यूएस की एग्जाम्पल ले लाँ उसके साल के सिर्फ 2 ही इनटेक्स होंगे हैं, स्टूडेंट 6 months की प्रोसैसिंग तो गॉन थ्रू होना पैदा है, पहली गल तो है उस बहुत टाइम टिकन रहा है और पेरेंट्स असं 3 to 4 महीने का भी मीनस केस देखते हैं, यूएस के भी केस देखते हैं, दोनों पेरेंट्स को अगर इवैलुएट किया जाए या कंपेरिजन किया जाए दोनों 3-4 महीने भी पेशेंट्स लूज कर लेंगे। तुम कैनेडा की गल की कि कुछ बोर्ड्स वालों टेस्ट लिया जाता है स्टूडेंट, तो तुम की देखते हो स्टूडेंट उन्होंने बोर्ड में अपलाई करना चाहिए या तुम कितने सुजैसट करते हो? बेसिकली ये असी भी नहीं मीनस डिसाइड कर सकते हैं बिकॉज असी जो एडमिशन सर्कल से स्टूडेंट आता है असी उसकी एडमिशन और डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स नू प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली गल की है बोर्ड्स के अंडर स्कूल्स आते हैं और बोर्ड सानू इनफॉर्म करता है कि साड़ी इस स्कूल के अंडर इस क्लास के बच्चे की इस एज की इनिक सीट्स अवेलेबिलिटी हैगी है तो इसनों इस एडमिशन मिल सकती है। उस तो बाद डिपेंड करता है उस स्कूल का क्राइटेरिया है कि वह एक स्काइप टेस्ट लेना चाहते हैं या एक रिटन टेस्ट लेना चाहते हैं या एक ऑनलाइन टेस्ट लेना चाहते हैं, स्टूडेंट का वो कैप चेक करना चाहते हैं, इंग्लिश प्रोफिशंसी देखना चाहते हैं, कुछ भी इस तरह का डिमांड करता है। पर कितने ना कितने पंजाब के जो स्टूडेंट की गल आती जो विदेश पढ़ने लिए जाता टेस्ट या इंटरव्यू तो काफ़ी स्टूडेंट डरता है, स्कूलिंग के भी शायद इस तरह होगा कि स्टूडेंट टेस्ट तो डरता होगा, फिर तुम किस तरह डील करते हो या स्टूडेंट को किस तरह समझाया जाता है कि टेस्ट देना स्टूडेंट लिए पॉजिटिव है या नैगेटिव, उत्थे सक्सैस रेट की रहता है? फिर सक्सैस रेट तो सर क्या कहते हैं डेफिनेटली जो स्टूडेंट अच्छा टेस्ट दे रहा है तो वह सक्सैस रेट रहेगा ही रहेगा, बट जिथे गल रही टेस्ट जो क्या कहते हैं प्रिपेयर करना होंगे स्टूडेंट ने उसको प्रिपरेशन ये नहीं कि ओवर नाइट कॉल करके कहना कि कल सवेरे उठ के तुम्हें इंटरव्यू देना है, ऐसा कुछ नहीं है।
बोर्ड सानू बहुत प्रायोरिटी ते इनफॉर्म करते हैं, इसलिए असं स्टूडेंट्स नू प्रिपेयर करते हैं कि तुहानू इन्हां चीज़ां बेसिकली की है जो पढ़ रहा है, जो उन्हां दा प्रोफाइल गया है, जो ग्रेड्स उसनू उन्हां नू स्कूल्स नू गईयां हैगी उन्हां बच्चे दी, उसी दे बेसिस ते उन्हां दी चल रही स्टडी जो ऑलरेडी करंट स्टडी है उहदे बेस ते उन्हां दा इंटरव्यू कंडक्ट कीता जांदा। अगले इनटेक दी जेकर गल कीती जावे, स्टूडेंट केड़े इनटेक लई अप्लाई कर सकदा ते डेडलाइंस की रहणगीआं उन्हां दी? अगला इनटेक अप्रैल है और एट कंट्री बेसिस जून भी अवेलेबल है। और जिथे गल रही उन्होंने लिए डेडलाइनस रहेंगे कि वो अपना इसी टाइम कमिंग जनवरी में अपना प्रोसैस स्टार्ट कर, और कहते हैं विद फैब और मार्च में अपनी फाइल्स एम्बेसी दे दें। कि टाइम लग जाता है एक प्रोसैस जो स्टूडेंट अपलाई करता है स्कूलिंग के लिए? सो मोस्टली जो एम्बेसी की गल करिए, एम्बेसी तो 30 to 45 डेज है, मीनस रहा ही है प्रोसैस। पर जिथे गल रही उस तो पहला का जो प्रोसैस है, इट टेक्स 2 months बिकॉज तुम्हारी कस्टडी के पेपर आने, और कस्टडी पेपर बहुत वही चीज़ होंगी है। इट्स नॉट कि एक ऑर्डनरी पेपर है जिसनों स्टैंपिंग मिल जाए, कुछ हो जाए, बहुत चीज़ा उस चीज़ से डिपेंड कर दी हैं। तो कस्टडी पेपर, बच्चे दिए एक्सेप्टेंस लैटर्स, ये सब चीज़ा बहुत डिपेंड कर दी। इनकम प्रूफ की जो गल आती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट या पेरेंट्स ने जिन्होंने पता नहीं लगता इनकम प्रूफ किस तरह शो करने ने, या इनकम प्रूफ में लैके काफ़ी रिजैक्शन भी देखने को मिले, कि एक जेन्युइन तरीका की होंगे इनकम प्रूफ देने का? सर डिपेंड करता है कि जो बच्चा है किसी क्लास के अप्लाई कर रहा है, अकॉर्डिंगली मीनस जिन्नी भी मीनस फंड रिक्वायर्ड होंगे अकॉर्डिंगली फीस से, या क्या कहने उस कंट्री के लिविंग कॉस्ट के अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से क्या कहने 1 to 2 साल पुराने इनकम प्रूफ होने चाहिए थोड़े। फैमिली इनकम होनी चाहिए या थर्ड पार्टी फंड भी है जिहड़ा, या इनकम प्रूफ जड़े ने कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है सर। ताड़ी इनकम फैमिली बेस्ड भी हो सकती है, तुहानू थर्ड जिवें ऑस्ट्रेलिया है, देयर लीनिएंट टू थर्ड पार्टी एज़ वेल, तो थर्ड पार्टी दे स्पॉन्सर्स भी चल सकते हैं उहदे विच। एफडी नाल शो करने पैंदे ने, या बैंक अकाउंट दे विच पैसे होने, या होर भी कोई तरीका है? सर बेसिकली गल की है कि इन्ने माइनर बच्चे का एजुकेशन लोन कहिंदे कोई बैंक इशू नहीं करता, तो बेसिकली पेरेंट्स नूं क्या कहिंदे हैं फिक्स डिपॉजिट के उपर ही लोनस लेने पैंदे, बिकॉज ये मनी उन्होंने बेसिकली असं दिखाने कि इन्वेस्टमेंट है अपने बच्चों की स्टडी के विच कीती गई, तो दे आर क्या कहिंदे हैं बेसिकली प्रोवाइडिंग टू दैम कि हाँ असीं। वीज़ा जो अप्लाई किया जाता है, ज़्यादातर जो पेरेंट्स ने उन्होंने यही सवाल होंगे कि वीज़ा आएगा या नहीं आएगा, या की प्रोफाइल बनती बच्चे, तुम की देते हो, कि चीज़ा ने जिन्होंने वीज़ा डिपेंड करता है? वीज़ा सर 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है, पहला तो बच्चे की प्रोफाइल, दूसरा कस्टडी पेपर्स, फिर फाइलिंग, और उस तो बाद फंड्स। सब तो पहला जो गल करिए बच्चे का प्रोफाइल है, उसकी प्रीवियस एजुकेशन किस बोर्ड तो है, किन्ने उसने ग्रेड्स दे विच मींस अचीव किते हैं। बोर्ड भी कितना मैटर करता है, जे एक स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड तो पढ़ा, जे एक स्टूडेंट पंजाब स्कूल से खा। ऑल बोर्ड्स एक्सेप्टेबल है, कोई ऐसी गल नहीं, हरियाणा बोर्ड दे भी स्टूडेंट्स आंदे हैं, मेरठ बोर्ड दे भी स्टूडेंट्स आंदे हैं, बट जेडे ब्लैकलिस्ट हैं डेफिनेटली बोर्ड्स उन्हां दे स्टूडेंट्स नहीं कहते जाएंगे, बट जेडे स्टूडेंट ऑलमोस्ट ऑल बोर्ड्स है जेडे उन्हां स्टूडेंट्स दे प्रोफाइल्स नूं वेरीफाइड किया जाता है, उन्हों की प्रीवियस स्टडी और उन्होंने स्टडी बैकग्राउंड, उन्होंने सब्जेक्ट सिलेक्शन जिम्मे +1 +2 के बच्चे हैं उन्होंने की रही है, उस तो बाद आ जाती है परफॉर्मेंस भी देखी जाती है, परफॉर्मेंस भी देखी जाती है सर, स्पोर्ट्स कोई इंटरेस्ट है बच्चे का, या किसी होर करिकुलर एक्टिविटी में बच्चे का इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली जो बच्चे ने कुछ अचीव किया लाइक नेचर गार्डनिंग दे विच, या फिर क्या कहते हैं होर किसी ओलंपियाड टेस्ट दे विच, किसी भी चीज़ बच्चे ने जो कॉम्पीटीट किया, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट टू द स्टूडेंट। उस तो बाद आ जाती कस्टडी पेपर्स, कस्टडी पेपर्स एक लीगल फॉर्मेट है देखा जाए, तुम अपने बच्चे को एक क्या कहते हैं कैनेडियन दे सपोर्ट कर रहे हो बेसिकली उसनों, तो उस डॉक्यूमेंट के तुहाडी हामी तुहानू क्या कहते हैं डिस्कस होना कि तुसीं अपने बच्चे की क्या कहते हैं रिसपोंसिबिलिटी एज अ गार्डियन कैनेडियन अपने बच्चे की इस परसन नू दे रहे हो, शायद तुसीं उसनों देखा भी नहीं होंदा, उहदा एक आई डी प्रूफ नाल होंदा है, और उहदे सिग्नेचर उहदा कॉन्टैक्ट नंबर एड्रैस होंदा तुहाडे कोल, कॉन्टैक्ट कर सकदे ने पर डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्काइप नाल चैट करना चाहते हैं चैट कर सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है अज की डेट में। तो देखा जाए कस्टडी पेपर मेन है, पहली गल तो उसनों थोरेली पढ़ो और उसनों पूरी तरह वेरीफाई करवाओ, उस तो अलावा बिकॉज आफ्टर गैटिंग वीजा यू विल बी गैटिंग के कस्टडियन उसनों की प्रोवाइड कर रहे, तो ताड़ी कस्टडी नू लेके पेपर्स नू लेके अवेयरनेस बहुत जरूरी है। उस तो बाद आ जाती है फाइलिंग, डेफिनेटली कंसल्टेंट का ही पार्ट है बिल्कुल, पर जे पेरेंट्स के कहें बच्चों बच्चों के डॉक्यूमेंट्स सू किसी तरीके फौज पकड़ा दें, या अपने डॉक्यूमेंट्स कोई फौज पकड़ा दें, तो डेफिनेटली उस कंसल्टेंट भी कुछ नहीं कर सकता। पर फाइलिंग एक ऐसी चीज़ है जिद्द एक स्टूडेंट को प्रेजेंट करना है असी, और हर स्टूडेंट उन्ना ही इंपॉर्टेंट है, हर फाइलिंग उन्नी ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर पेरेंट्स ने एक बच्चे लेके एम सोचा कि मेरा बच्चा इस क्लास जाएगा, कोई डेफिनेटली सुते जागे तो मीनस कैंडा बच्चा भेजने का सोचता नहीं है, पहली गल तो है डेफिनेटली बहुत लंबी प्लानिंग होंगी है कि मैं अच्छ इतने सोचना, डेफिनेटली एक जगह नहीं जाते हैं पेरेंट्स, अलग अलग जगह जाते हैं,
उन्हां नूं कंसल्टेंट ते ट्रस्ट करना पैंदा कि हाँ ये मेरी फाइलिंग अच्छी तरह प्रेजेंट करेगा। तो पेरेंट्स नूं भी चाहिए कि कंसल्टेंट ने अपनी सारी गल एक तरह नाल जिवें डॉक्टर अपनी डॉक्टर नूं अपनी हर एक तरह दी सच्चाई जिहड़ी गल जां जनरल जो गल सारी बिकॉज़ जे मरीज डॉक्टर नूं अपनी सच्चाई नहीं दसेगा कि मैनूं किस चीज़ दी कित्थे की तकलीफ है, शर्म करेगा तो डेफिनेटली उह चीज़ सही तरीके नाल इलाज नहीं कीता जा सकदा। सिद्धी जी गल फाइलिंग दी जदों गल आंदी टेक्निकल पॉइंट्स की रहिंदे ने जां इक जनरल फाइल दे विच कड़े कड़े डॉक्यूमेंट्स हुंदे ने? जनरल फाइल दे विच सब तो पहले तो बच्चे दी ही मीनस डॉक्यूमेंट्स हैं उहदी एजुकेशन दे और के कहंदे हैं उहदे एक्स्ट्रा करिकुलर या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज दे डॉक्यूमेंट्स रहणगे। उस तो बाद उहदे पेरेंट्स दे इनकम प्रूफ्स हैं, उहदे पेरेंट्स दे जे एजुकेटेड हैं तो उहनां दे एजुकेशनल्स और के कहंदे हैं उहनां दा वर्किंग बैकग्राउंड की है, वो की काम करते हैं, किस लाइन नूं बिलोंग करते हैं। उस तो बाद उहनां दे फंड्स जो उहनां ने लिक्विड फंड्स उहनां लई शो कीते पेरेंट्स बेयर कर सकदे ने, अपना बच्चे दा भेजना अपना जाना ये सब कुछ उहदे विच फंड्स नूं लैके जो देखा जांदा जदों हायर स्टडी लई स्टूडेंट अप्लाई करदा किसी भी कंट्री लई किते ना किते फंड नूं लैके काफी स्ट्रिक्ट हो गया, फंड वेरीफिकेशन होण लगी। स्कूलिंग दे विच फंड्स नूं लैके किन्ना कु एम्बेसी किन्ना कु फंड बारे वेरीफिकेशन करदी है ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਨੀਅੰਟ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮੀਨਸ ਬਾਕੀ ਮੇਜਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਫੰਡਸ ਇੱਕ ਕੋਰ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਣੀ ਪੋਕਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਬਰੋਡ ਜਾਣ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਪਲਾਨ ਕਰ, ਅਬਰੋਡ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਨੇ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵਾਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ਕੋਸਟ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਈਅਰ ਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੈਪੇਬਲ ਵੀ ਸੀ, ਫੰਡਸ ਹੈ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਕੰਟਰੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੇਰੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜੋ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕਲ ਐਂਡ ਆਂਟੀ, ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਟ ਜੋ ਭੂਆ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਆਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਰਨਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੀ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਨੀਲੀਨਿੰਸੀ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਹੋਮ ਸਟੇ ਜਾਂ ਕਸਟਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਡਾਊਟਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੋਮ ਸਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਘਰ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲੀਗਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਮ ਸਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਕਰੀ ਕਿ ਯਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੀਜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਇਹ ਲੀਗਲ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੂਡ ਜੋ ਉਹਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਡੇ ਵਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਦੈਟ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਬੋਰਡ ਔਰ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਸਕੂਲ, ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਟੇਕਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਆਈ ਐਮ ਅ ਲੀਗਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਟੂ ਹਿਮ ਔਰ ਹਰ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਾਰੀ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਰ, ਜਿਸ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੀਨਸ ਕਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਹੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਬਗਾਨੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਉਸਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਉਹ ਗਾਰਡੀਅਨ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦਾ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਗਾਰਡੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਸਟਡੀ ਔਰ ਹੋਮ ਸਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਉਹਦੇ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਰ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ
बच्चे एक बार वंस इन ईयर विजिट कर रहा है या नाल गया है पेरेंट, तो उसनों लगता है कि उसनों ये चीज़ अपने गार्डियन तो नहीं मिल रही है, बिकॉज समटाइम्स की होंगे कि पेरेंट्स अपना काम में बिजी हो जाते हैं, बच्चों वाल नहीं ध्यान दे पाते हैं, तो उन्होंने जो उन्होंने भी लगता है कि मेरा मेरे रहते हुए भी मैं वो गार्डियन या कस्टोडियन उन्ना टेकिंग केयर नहीं है, तो चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग इस तरह के जिन्हों के कोई ना कोई रिश्तेदार या दोस्त मित्र विदेश में पहला तो रह रहे हैं, या स्टूडेंट जो पढ़न के लिए गए हुए हैं, वह फिर जो एक स्टूडेंट स्कूलिंग के लिए जाता उसका कोई वड्डा भैन भरा उत्थे पढ़ाई कर रहा है या कोई रिश्तेदार उत्थे रह रहा है, उन्होंने को रह सकते हैं या नहीं? डिपेंड करता सर, पहली गल जो जिम्मे क्या कि कोई वड्डा भैन भरा उत्थे ऑलरेडी रहे, जो अंडर 22 है तो उस बच्चे उसे डिपेंडेंट नहीं छड़े जा सकता किसी भी कंट्री के, मैं नेम इट कोई भी कंट्री है, वो 22 22 साल के बंदे किसी डिपेंडेंट के लिए लाइबल नहीं समझती है। उस तो बाद गल करिए किसी रिलेटिव दे कोल जा रहा है, तो वो रिलेटिव ही तुसी लीगल गार्डियन अथॉरथराइज करोगे, उदी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होएगी, उदा पासपोर्ट उदा स्टेटस की है उस कंट्री दे विच, उदी प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन फाइल होंगी। पर जनरली असं एडवाइस करते हैं कि तुसी अपने रिलेटिव को बच्चा भेजने के बजाय बच्चे कहते कस्टोडियन या होम स्टे प्रोग्राम दवा, एटलीस्ट तुसी जो पे करोगे तो बच्चे वो चीज़ मिलेगी। तुसी रिलेटिव दे कोल अपना बच्चा छड रहे हो, कई बार इस तरह की बहुत सारी कंप्लेन सानू सुनने भी मिलते हैं जिन्हें बच्चे गए भी है, तो असं बेस्ट यही कहेंगे, असं हमेशा एडवाइस करते हैं कि होम स्टे और कस्टोडियन प्रोग्राम इज द बेस्ट, क्योंकि हद तक यदि कोई कंप्लेन नहीं आई है। एडमिशन प्रोसेस की रहा है, जो स्कूल चेंज होंगे या बोर्ड चेंज होंगे वक् वक्रा होंगे या सेम प्रोसेस रहा है? सर बोर्ड के विच की होंगे, जिवें इंडिया विच है कि स्कूल्स बने हुए हैं और स्कूल्स नू एफिलिएशन मिली हुई है बोर्ड से, और बच्चे पेरेंट्स रैंडमली जाते हैं और बच्चे की एडमिशन हो जाती है और बच्चा साडा इस बोर्ड के अंडर पढ़ रहा है, दैट्स अ थिंग। बट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लिए थोड़ा क्या कहें चेंजेस रहता है, स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स जाते हैं बोर्ड के अंडर और बोर्ड दसद कि साढ़े एलिए स्कूल के लिए सीट्स अवेलेबल है, मीनस बोर्ड स्कूल नू ही स्कूल नू स्टूडेंट्स डिवाइड करता है, स्कूल अपने बच्चों नू नहीं डिवाइड कर सकते। पर जो एक पेरेंट्स या स्टूडेंट लैके आता है कि इस सिटी के लिए स्कूल के लिए एडमिशन लेनी, फिर उत्थे स्टूडेंट नू एडमिशन मिल सकती है? डेफिनेटली सर, बिकॉज सेम बोर्ड के अंडर जो स्कूल फॉल करता है उसना ही मीनस क्या कहते हैं एफिलेशन के अंडर है, तो डेफिनेटली उसनू स्कूल चेंज मिलेगा, माइग्रेशन मिलेगी आफ्टर वीजा। बट जो इतने देखते हैं आप स्कूल जेकर देखा जाए, एक सरकारी स्कूल होंगे, एक अर्ध सरकारी, एक पूर्ण तौर पर प्राइवेट स्कूल होंगे ने, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट एक विदेश में पढ़ाई के लिए जाता है उत्थे की फर्क रहता है? नॉर्मल सरकारी स्कूल का बच्चा जा रहा है या प्राइवेट स्कूल का बच्चा जा रहा है, फर्क सिर्फ इन्ना है कि उन्होंने दोनों इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਸ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬੋਰਡ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ अपने उस कंट्री दी गवर्नमेंट स्कूल दे विच ही बच्चे दी एडमिशन चाहिए है, बिकॉज बेनिफिट्स हैं पब्लिक स्कूल दे, थोड़ी फीसिस कट होंदी है और थोड़े होर लाइबिलिटीज होर के कहने फैसिलिटीज मिलती हैं बच्चे नू, बट प्रॉब्लम यह है जे तेरे बच्चे दा प्रोफाइल सूटेबल नहीं है तो असीं तां उन्हां नू प्राइवेट स्कूल ही सजेस्ट करदे। डिपेंड करदा प्रोफाइल ते कि किस तरह दा डेफिनेटली जिवें पेरेंट्स पेरेंट्स जदों नाल जाना चाहुंदे ने बच्चे दे, किन्ने साल दी उम्र दा बच्चा जिस दे नाल पेरेंट्स जा सकते ने ते की प्रोसेस रहिंदा? सर जे बच्चा 5 साल तो शुरू करे पर एडमिशन जिवें 5 साल तो है तो उहदे नाल इक बच्चे दे नाल उहदे दो पेरेंट्स जा सकदे हैं, बट आफ्टर 14 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਰਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਡੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਜੇ ਬੱਚਾ 14 ਈਅਰਸ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕੰਮ। ਸਿਰਫ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ? ਸਿਰਫ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ? ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਫਸਟ 45 ਡੇਜ਼ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 45 ਡੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਅਕੋਮੋਡੇਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਟੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਹੋਣ, ਬਟ ਅਬਰੋਡ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਲਾਨ ਚੇਂਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੈਟਅਪ ਹੋਣ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 45 ਫਸਟ 45 ਡੇਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ 45 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜੋਬ ਸਰਚ ਦਾ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੱਚ ਵੁੱਡ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 18 ਸਾਲ ਅਗਰ
बच्चा 19 ईयर्स है तो आई एम सॉरी पेरेंट्स नहीं जा सकते बिकॉज बच्चा एक मेजर की तरह काउंट किया जाएगा जो द प्रोग्राम है दैट विल बी द कॉलेज एड प्रोग्राम एक डिपेंडेंट उतने नाल जरूर जा सकता है बट प्रॉब्लम यह है कि वो डिपेंडेंट काम नहीं कर सकता एक चीज होर जी देखने को मिलती है जो बच्चे की उम्र अजे 18 साल नहीं हुई 2, 4 या 6 महीने तक रह जाते हैं पेरेंट्स की कोशिश होंगी कि फटाफट नाल चले जाइए या बच्चे जरिया बना के जाने की कोशिश की जाती उत्थे तुम की देखते हो कोई फायदा होंगे या पेरेंट्स को फिर 6 महीने बाद वापस आना ये कह लो एक स्मार्ट वर्क है पेरेंट्स का डेफिनेटली जो बच्चे का 18 साल कंप्लीट होने तो पहले अपलाई कर देंगे वीजा आ जाता और चले जाते हैं तो डेफिनेटली जा सकता है एक पेरेंट उन्होंने जो स्टूडेंट 18 साल का हो जाता फिर पेरेंट्स या गार्डियन जो गया उ स्टे कर सकता है ऑलरेडी सर वीजा ग्रांटेड है उस कोई कंडीशन चेंज नहीं होगी बट यह है कि अगो उन्होंने थोड़े क्या कहने वीजा चेंजेस लिए प्रोसैस करना पेगा जिमें पहलों बच्चे के नाल एक गार्डियन की बेसिस से आए थे पेरेंट्स के बेसिस से जिमें आए हैं काम करने लिए उस तो बाद उन्होंने मीनस अपना एक फुल टाइम वर्किंग आवर और प्रॉपर ऑर्गनाइजेशन देखनी पेगी जिस नाल कहते अपने बच्चे की मेजर स्टडी भी सपोर्ट कर सकन बिकॉज क्राइटेरिया उस टाइम बिल्कुल चेंज हो चुका होगा प्रोसैसिंग टाइम घट या वध करन दे भी कोई फैक्टर रहिंदे ने या कुछ टेक्निकल पॉइंट्स जिहड़े तुसीं देखदे हो चाहे फाइलिंग दे ने या स्टूडेंट दी प्रोफाइल या की इक जनरल प्रोसैसिंग टाइम की रहिंदा सर टेक्निकली देखा जाए टाइम तां असीं चाहुंदे आ कि हमेशा घट लगे बिकॉज सानूं भी पता है कि जब 1 month पास कर दिया है तो पेरेंट्स जो प्रोसैस के होंगे तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इंपेशेंट हो जाते हैं तो रीज़न ये रहता है कि पहली गल तो है कि एक टाइमिंग का डिफरेंस है कॉल का नेविगेशन का ईमेल्स का जवाब का मैं अज ईमेल कर रही हूँ मैंने जवाब कल या परसों वेट करना पड़ेगा जो मैंने कहीं फ्राइडे मेल की तो मैं मंडे तक वेट करना पड़ेगा सो इस मीनस असी चाहिए तद भी मीनस अपने वो हमेशा साड़ी कोशिश यही होंगी है कि प्रोसैस घट रहे समटाइम्स पेरेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स और फंड अरेंज कर रहे होंगे उन्होंने टाइम लग जाता है तो जे गल करिए कि दोनों पार्टीज नूं क्या कहंदे हैं प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट और अपने टाइम नूं बचाण दी थोड़ी मेहनत दिखानी पैंदी है तद ही मीनस प्रोसेस एक जनरल प्रोफाइल नूं तुसीं की देखदे हो किन्ना टाइम लगदा है जनरल प्रोफाइल नूं सर 3 months तां लगदे ही है की स्टेप रहिंदे प्रोसेसिंग दे प्रोसेसिंग दे स्टेप दे विच सर सब तों पहले तां बच्चा जद आंदा है तां उहदी इवैल्यूएशन किया जाता है कि उसकी एलिजिबिलिटी उसके बर्थ के अकॉर्डिंग डेट के अकॉर्डिंग बनती भी है या नहीं है पहली गल तो फिर उस तो बाद पेरेंट्स का भी देखा जाता है कि वो पेरेंट्स च कौन पेरेंट जा सकता है पेरेंट्स टाइम अकोमोडेट कर सकता है अपने बच्चे काम नाल भी उस तो बाद आ जाती है गल उसकी एडमिशन प्रोसैस की जब असं एडमिशन भेजते हैं तो सानू मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं उ ही असं पेरेंट्स नेविगेट करते हैं बट जो सानू लगता कि पेरेंट्स समटाइम्स रूरल साइड के पेरेंट्स आ जाते हैं कि उन्होंने नहीं पता कि बोर्ड्स किमें है या किमें एडमिशन प्रोसैस है दे ओनली नो कि वीज़ा लगेगा तो असी जाना है तो उन्होंने असी क्या कहें एडवाइस कर दें कि तुहाडे लिए ये ऑप्शन बेस्ट है बिकॉज सानू भी पता उन्होंने बच्चे के लिए बैठ बिकॉज बच्चे की साइकोलॉजिकल थिंग नाल और क्या कहें बच्चे के करियर नाल कोई भी मीनस नहीं कर सकते अगला सवाल जो माइग्रेशन नू लेके जो साढ़े को पहुंचा जो स्कूलिंग वाले जो पेरेंट्स ने भेजा जो एक स्टूडेंट सिटी टू सिटी माइग्रेट करना चाहता पहला कई बार एक मनपसंद की सिटी का स्कूल नहीं मिलता बाद में सीट्स होंदिया ने या चेंज करना चाहता एक या दो साल बाद उ फिर की रहा उन्हों का प्रोसैस प्रोसैस की रहा उन्होंने हो सकती माइग्रेशन या नहीं हो सकती सब प्रोसैस तो बिल्कुल जिम्मे मीनस अपने पहले शोज में मैं डिस्कस कर दिया है माइग्रेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है माइग्रेशन बच्चा ले सकता है बट एक ही कंडीशन है जिस बोर्ड के अंडर उसकी एडमिशन हुई है उसनों उसी बोर्ड के अंडर उसी सिटी में जिस जो चाहता है उस स्कूल लभना पड़ेगा और जो उस बोर्ड के अंडर फॉल करता है तो अपनी मीनस बोर्ड में भी इनफॉर्म कर सकता है सानू इनफॉर्म कर सकता है कि मैंने ये स्कूल चेंज चाहिए तो असं उसी बोर्ड के अंडर जो भी स्कूल जो भी स्कूल अवेलेबल है उस सिटी विच उदे विच उदी एडमिशन या माइग्रेशन डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस कर दी ते वीजा एक्सटेंशन दा की प्रोसेस रहंदा जदों एक स्टूडेंट अप्लाई करदा किन्ने टाइम दा उसनूं वीजा मिलदा ते बाद विच वीजा किस तरह एक्सटेंड हुंदा सर छोटे बच्चों लिए मीनस 2 साल का पहला वीज़ा मिलता है उस तो बाद ईजीली एक्सटेंडेबल है क्योंकि स्कूल के स्टडी कॉन्टीन्यू चल रही है जिस करके पेरेंट्स नू भी प्रॉब्लम नहीं आती और जो गल करिए दूसरे बच्चे हैं जोड़े व्डे हैं उन्होंने लिए भी मीन प्रॉब्लम नहीं उन्होंने 1 साल का मिलता बट एक्सटेंडेबल वीज़ा जो कि विद कंडीशन ऑफ एक्सटेंडेबल मिलता है उन्होंने फीस स्ट्रक्चर की रहता है या कि फीस जी स्टूडेंट जा रहा चाहे वो कैनेडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड या US के लिए जा रहा फीस स्ट्रक्चर की रहा सर फीस स्ट्रक्चर के हमेशा 5 कंटेंट्स अवेलेबल रहते हैं फर्स्ट कंटेंट है उन्होंने एप्लीकेशन फी जो कि उन्होंने ऑफर लैटर लिए प्रोसैस की जाती है उस तो बाद आ जाती है उन्होंने ट्यूशन फी और फिर होम स्टे फी है जो कि कहने कस्टडी और होम स्टे की असं मीनस फाइलिंग करते हैं उसके लिए फिर हेल्थ इंश्योरेंस आ जाती है बच्चे की दैन कम टू वर्ड द मिसलेनियस चार्जेस समा जो ज़्यादा अलाउ नहीं करता शो में बताया जा सके जाते जाते कोई खास मैसेज स्कूलिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं सिर्फ यही कहूँगी कि एक बार मीनस PCC को चांस दो कि जो इस प्रोसैस में लैके डाउट्स है उसनों क्लीयर किया जाए डू विजिट टू आर ऑफिस फोन कॉल्स कर सकते हो फोन कॉल्स करो ऑफिस विजिट कर सकते हो ऑफिस विजिट करो और प्रोसैस की पूरी इन्फॉर्मेशन लो बिकॉज वो बहुत जरूरी है कि तुम्हें जो प्रोसैस नहीं पता तो तुम XYZ स्कूल भी जाओगे तो माइंड हमेशा डाउट्स रहेंगे
बैटर यह है कि तुम एक बार विजिट करो और गिव अ चांस टू द बीसीएस। सो बहुत बहुत धन्यवाद हरप्रीत जी। काफ़ी सारे सवाल मेरे को इस पेज से उकरे रह गए, थोड़े मन में भी काफ़ी सवाल होंगे, पर थोड़े लिए समय की कोई बाउंडेशन नहीं, तुम किसी भी वेले स्क्रोल किए जा रहे नंबर से कॉल कर सकते हो, अपॉइंटमेंट लैके परसनली विजिट किया जा सकता है, हर तरह की जी जानकारी तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। सो अज के शो में इतने खत्म करते हैं, अपने दोस्त कुलदीप ने तो इजाजत, धन्यवाद, सत श्री अकाल।